क्या हाल चाल दोस्तों, ओप्पो का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन आ गया, रेनो 10 प्रो प्लस 5G। मैंने एक चीज देखी है, इतने सालों में फोन की स्पेक बढ़ी हो ना बढ़ी हो, बट नाम में प्लस प्लस अल्ट्रा प्रो 5G 6G सब कुछ आ गया भाई। मैं देखो थोड़ा ऑनेस्ट बताता हूँ, मैं ना थोड़े फ्लैगशिप वाले जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, उसमें अलग अलग नई पेचीदा चीजें डाली जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा विचलित सा रहता हूँ, मेरे को दिख जा रहा। इस बार ओप्पो ने निकाला ये वाला स्मार्टफोन, ये बेसिकली 50,000 के ऊपर वाली ब्रैकेट में आएगा। वैसे निकाले तो दो फोन है, प्रो भी है प्रो प्लस भी है, बट जो सबसे बड़ा भैया है उसको सबसे पहले लपेटेंगे हम। एक चीज आपने और नोटिस करोगे, ओप्पो रेनो 10 है, 9 का गया, ये राज भी उसी के साथ चला गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खोलते खोलते बताता हूँ, देखो अनबॉक्सिंग तो आजकल स्टैंडर्ड ही होती है फ्लैगशिप स्मार्टफोन में। ये कवर, कुछ पुस्तकें, हमारी यूएसबी टाइप सी केबल और चार्जर है हमारा, ये 100 वॉट सुपर बुक, ये हमारा स्मार्टफोन। थोड़ा यहाँ पे ना टेक्सचर दे रखा है, मारी सिलिकॉन रखा है, इस सिलिकॉन की पिटाई हुई है, मैं आपको बता सकता। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, फोन ना दिखने में काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, नया लग रहा है। ऑफ कोर्स भाई सारे फ्लैगशिप नए और थोड़े से इंटरेस्टिंग, तो कुछ ना कुछ करा जाता है। क्या नई नई अतरंगी चीजें डाली गई है भाई के अंदर, वो सब चेकिंग करनी पड़ी। दूसरा क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चेकिंग कर ले भाई सब कुछ, वो लेट्स गो। आजकल ऐसे फोन कम आते हैं जिसमें एकदम ही कुछ बदल दिया हो, बट सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे कैमरे 3 लगा रखे हैं, 1, 2, 3। सबसे पहले भाई डिस्प्ले तो काफी प्यारा सा लग रहा है भाई, अपना वॉलपेपर भी अच्छा सा दे रखा, प्रीमियम दे रखा है वॉलपेपर। वो भाई वॉलपेपर के कलर वलर भी चेंज आते हैं, मैं इसमें रख देता हूँ भाई। इसमें 4K वीडियो भी जैसे मैंने चला रखी है स्क्रीन पे, आप देखो एजेस काफी प्यारे लग रहे हैं, ये जो रंग है जो स्क्रीन पे आ रहे हैं वो अच्छे से खिल के आ रहे हैं, और जैसा करारापन सा भी है ना वीडियो के अंदर वो 4K में दिख रहा है हाथ में पकड़ने में, क्योंकि एक पूरा कर्व डिस्प्ले है और साइड से ना थोड़ा सा पतला सा है तो अच्छा सा लगता है। है एक 6.74 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, कर्व भी है और 120 हर्ट्ज पे चल रहा है। फील गलत हो रहा है, एक सेकंड मुझे लगा ये क्या हो गया, हमारा गाल कैसे गलत रेटिंग दे रहा है, तब मेरे को पता चला भाई ने टी शर्ट पहन रखी। मैं सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे गया तो मैंने देखा कि क्या क्या दे रखा है, तो वेबसाइट पे आधे से ज्यादा पन्नों में कैमरा बता रखा, तो मेरे को और कैमरे में प्लस डिजाइन चेंज करते, मेरे को पता चले कुछ तो नया करा है। बैक साइड में ग्लास दे रखा है, काफी शाइनी था, ऐसा कोई पैटर्न वैटर्न नहीं बना बट काफी प्यारा सा लग रहा है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी भाई, साइड प्लास्टिक दे रखा, 50,000 के ऊपर सब कुछ प्रीमियम होना चाहिए भाई। पावर बटन नीचे दे रखा है, इसके ऊपर ग्रीन लगा रखा, ऊपर वॉल्यूम बटन एकदम पतले पतले, ऊपर की साइड में इंफ्रारेड और यहाँ पे स्पीकर ही कर लग रखा है। बाहर निकाल के देखो 2 सिम का स्लॉट है भाई, सिम 1 है सिम 2 है, माइक्रो SD अभी है नहीं इसके अंदर, आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, फ्लैगशिप फोन में ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं भाई। बैटरी 4700 mAh है, वैसे 4500 थोड़ा सा ऊपर है बट ऐसा लगता है क्यों कि लाइक 5000 के करीब है, बट एक चीज और है जिसकी वजह से बढ़िया बन जाता है, वो है 100 वॉट की चार्जिंग। दोनों चीजें इतने पतले फॉर्म फैक्टर में मिल रहे तो बढ़िया, हाथ में पकड़ने पकड़ने में भी सही है, और बाकी चीजें हमने चेक करी। आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं सेंसर दिखा दो भाई, ये लो सारी स्क्रीन पर लगा दिया अगर खरीदना हो। ऑफकोर्स फ्लैगशिप फोन है, सेंसर कटौती तो नहीं करी गई, बट एक चीज है जिसमें करी गई है और मेरे को बुरा लगा थोड़ा सा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो जब 50,000 के ऊपर का प्राइस टैग आता है ना, उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर वाला एक्सपीरियंस, इसमें ऐसा फील हो रहा है कि ओप्पो के बजट फोन्स वाले जो सॉफ्टवेयर है वही आपको फ्लैगशिप में भी डाल दिया। हॉट एप्स है, हॉट गेम्स है, हॉट फ्री गेम्स और एक एक्स्ट्रा और आ गया ना, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और ये देखो ऐप मार्केट, अगर मैं खोल के दूं इसको फोर स्टॉप भी मैं करूं, डिसेबल भी नहीं होता, अनइंस्टॉल भी नहीं होता। ये 15,000-20,000 रुपए का फोन होता तो बात इतनी बुरी नहीं, बट एक 50,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन में आप एक्सपेक्ट करते हो एक प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। और मैं आपको एकदम सीधे से बताता हूँ, हार्डवेयर में ना ऑलमोस्ट सारे फोन्स नेक टू नेक चल रहे हैं, कोई आगे हल्का था है, कोई हल्का था पीछे है। अगर मैं आपको बताऊं ना फोन के अंदर तो आप शायद पहचान भी ना पाओ, बट जो सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है और जो एक्सपीरियंस का डिफरेंस है उसी हिसाब से थोड़ी जजमेंट भी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के भी स्मार्टफोन हम लेने जाते हैं, काफी सारे लोग इसलिए लेते हैं उसका सॉफ्टवेयर काफी प्रीमियम है, काफी अच्छा है, और इस प्राइस पॉइंट में टक्कर इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आपको हर चीज अच्छी देनी पड़ती है। जैसे मैं यूज कर रहा था मेरे को थोड़ी तो दिक्कत लगी कि ऑफकोर्स भाई नोटिफिकेशन और ये सारी चीजें आ जाती हैं, बट आप में से कुछ लोग बता रहे थे भाई जैसे यूट्यूब में चला लूं तो भाई FPS 60 हो जाता है। भाई मैं एकदम अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, जैसे हम ऐप्स बनाते तो हमको बता देगा फ्रेश वर्ज हमारी 120 FPS पे चलती है बढ़िया, और ये बेसिक ओप्पो की इतनी दिक्कत नहीं है। ये जो ऐप बनाता है जैसे प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, वो यूट्यूब ऐप की भी दिक्कत है, वो प्ले स्टोर की भी दिक्कत है और ओप्पो के फोन की भी दिक्कत है, तीनों की मिला के होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और काफी सारे स्मार्टफोन्स में इंक्लूडिंग फ्लैगशिप्स में दिक्कत है, तो हाँ भाई हर ऐप में आपको 120 FPS नहीं मिलता ज्यादातर फोन के अंदर, और जो आपको होम पेज पे एक्सपीरियंस उसमें आपको 120 मिल जाता है। वैसे कलर OS का फायदा भी है कि बहुत सारी कस्टमाइजेशन, आप वॉलपेपर से लेके थीम से लेके भाई चार्जिंग बैटरी ये सारी चीजें, बट कुछ कुछ चीजें मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आती। जैसे मान लो ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, तो अगर मेरे को ऐसे एकदम अप डाउन नीचे करनी है तो मेरे को थोड़ा एक वेट करना पड़ता है, एकदम से ऐसे नीचे नहीं होता। वैसे ये छोटी चीजें ये मेरा पर्सनल, उसमें ब्राउजर हमने चलाया उसमें ऐड आ रहे थे, और उसके बाद हमने प्राइवेट करके देखा तो प्राइवेट ब्राउजर के अंदर भी ऐड आ रहे थे।
मैं रिकमेंड करूंगा आप गूगल क्रोम पे अपनी ब्राउजिंग कर लो। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मेरे को पर्सनली ऐसे ओप्पो का सॉफ्टवेयर लगा कि जो मिड रेंज वाले फोन है उन्हीं का सॉफ्टवेयर आपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी दे दिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए था। देखो मैं आपको बताता हूं, मेरे को ना थोड़ा सा दर्द होता है ड्रॉप टेस्ट करने में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ड्रॉप टेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको दर्द होता है, आपकी रेटिंग के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। बट अभी के लिए इस वाले फोन को थोड़ा सा दया दिखाएंगे, छोटा सा कर लेंगे। बच गया भाई, मेरे को दर्द होता है भाई। इसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 ऐड कर रखा है। ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, फुल क्वालिटी आपको, मतलब ज्यादातर जो फ्लैगशिप है एकदम टॉप एंड वाले उनसे अगर आपको फर्क करना हो, ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। 50,000 रुपए में पैसा वसूल है वाला प्रोसेसर, एकदम सीधा सीधा बताता हूं। पर इस प्राइस पॉइंट में आपको 8 प्लस जेन 2 भी मिल जाता है कुछ कुछ फोन के अंदर। भाई अब हम चला लेंगे BGMI। भाई जब तक गेम लोड हो रही है तब तक मैं बताता हूं, भाई 12 GB रैम है, LPDDR5 और प्लस 256 GB स्टोरेज है। भाई लेट्स गो, गेम खेल के देखते हैं। भाई कूलिंग वूलिंग का भी सही मामला दे रखा है, VC कूलिंग टेक्नोलॉजी, वीडियो कूलिंग टेक्नोलॉजी। सही बताओ, मैं छोटा था ना, मैं बोलता था पापा एसी में जाना है, तो पापा खिड़की खोल देते, बोलते यही तो है एयर कूलिंग। गेम देख लो भाई, मैक्स सेटिंग पे चल रहा है और कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही। एक तो कर्व डिस्प्ले है ना भाई, बेजल वेजल कम है अपनी, प्यारा लग रहा दिखने में, थोड़ा सा एस्थेटिक सी फीलिंग आती है थोड़ा गेम खेलते रहे, एस्थेटिक बहुत दे देंगे सामने वालों। मैंने रेडी कर लिया अपने हथियार, यहाँ पे मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सारा मैं देख लिया, मैं जा रहा हूँ, गोली वोली मार रहा हूँ, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। गेमिंग में हमने अलग अलग गेम चलाए, एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी लैग कोई भी डिले हमको देखने के लिए नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 2 से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, आपको अभी कुछ पता नहीं चलेगा, हो सकता है 3 साल बाद आपको थोड़ा बहुत फर्क पता चलना लगे। बड़े सारे प्रोसेसर अच्छे हैं और आपको भाई परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत नहीं लगी। कैमरे में भाई हम चेकिंग कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहीं पे कर लेते हैं अपने सेल्फी, यहाँ पे अगर सेल्फी अच्छी नहीं आई तो फिर तो दिक्कत ही। बस स्किन कुछ कर दिया मेरे, इसने डार्क सर्कल थोड़े गैप से कर दिया। देखो अच्छा तो लग रहा हूँ, एस्थेटिक लग रहा हूँ, हल्का सा ऐसा रिटचिंग हो गई है भाई की। नेचुरल वाले में तगड़ा आ रहा है भाई, स्किन में भाई ये देखो दूर दूर के बाल भी दिख रहे हैं यार। भाई कैमरा बहुत प्यारा है, कपड़े के भी टेक्सचर आ गए, ये नहीं आते भाई यूजुअली, बड़ी बात है। डिटेल्स मेरे को काफी प्यारी लगी भाई, एक बार बैक साइड वाले खींच लेते हैं, इधर आई गए तो पेड़ पौधों में खींच लेते हैं, एक वाइड में भी खींच लेते हैं। वाइड में भी सही लग रही है फोटो, और ये वाली 1x में भी डिटेल सही है भाई। भाई बट एक चीज और खास है इसके अंदर, वो है ये वाला 120x जूम ऐड कर रखा है इसमें। भाई ये है इस फोन की खास बात, क्योंकि मैं बताता हूँ ये वाला फोन ना उनको चाहिए यू नो कैमरा चाहिए, कैमरा सेंट्रिक कोई फोन है नहीं इस वाले प्राइस पॉइंट पे, और वहीं आ रहा था भाई ये 120x जूम इन करते हुए भाई ऐसा। अब देख लेते हैं कितना जूम काम करता है, लेट्स गो। इसमें 3 कैमरे का सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल, एक 64 का, एक 8 का। अब मैं खास बात बताता हूँ आपको, सिगरेट जो 64 मेगापिक्सल वाला है ना वो टेलीफोटो 3x, जो प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल है, और फ्रंट में 32 दे रखा है, वो हमने टेस्टिंग करी थी, प्यारी फोटो आ रही थी। बट सेंसर बहुत ही प्यारा फ्लैगशिप सेंसर लगा रखा है, मेगापिक्सल से देखो इतना फर्क पड़ता नहीं, हम वाइड से खींच के देख लेते हैं। 8 मेगापिक्सल है भाई, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बाहर ना अंधेरा अंधेरा है, और यहाँ पे ऐसी बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं है, बट जो फोटो आई है भाई घास वास की फोटो में भी अच्छी खासी डिटेल है। 8 मेगापिक्सल से हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट हल्का सा ऐसा लग रहा थोड़ा ब्लर और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर रखे, बट ओवरऑल फोटो में जो कलर्स हैं लाइट भी अगर आप देखो ये भी पूरी व्हाइट नहीं हो रखी, यहाँ पे भाई अच्छे से एक्सपोज इसको कर रखा है। एक बार भाई 1x में भी खींच के देखते हैं, इसमें खींच लेते हैं, शिकारी के चश्मे देख लेते हैं, पेन की फोटो खींच दूँ मैं, अगर वाइड में अगर आपको दिखाऊँ तो एकदम जूम आउट है, जूम इन कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो यहाँ से यहाँ पे देखो मैं आप जूम आउट करूँ ना आपको दिखेगा भाई, ये एक्चुअल वाइड में इसमें दिख भी नहीं रहा ऑरेंज कलर कहाँ पे, और ये एक्चुअल फोटो है इसमें भाई, हाई वॉल्यूम तो आ गया, पेन वेन भी अच्छा है मैं भाई, काफी स्टेबल है। चश्मे की फोटो थोड़ी सी ब्लरी आई है, बट भाई ये वाली हमने अच्छा खासा जूम करके खींची है भाई, और ये काफी ज्यादा क्लियर और यूजेबल फोटो है भाई। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, बट 120x इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो स्टेबिलाईजेशन है जिस हिसाब की फोटो आ रही है डेफिनेटली काफी प्यारी है। हमने 1x में भी फोटो खींची, हमने 3x वाले टेलीफोटो से भी फोटो खींची, वाइड से भी खींची, मतलब जो कलर्स है कॉन्ट्रास्ट है आपका, जो डिटेल्स भी आ रही है जूम इन करके, तीनों में ही इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली अच्छी है। पर जो फोटो का स्टाइल है वो थोड़ा सा भड़कीला, थोड़ा सा कलरफुल पॉपी वॉपी ऐसा स्टाइल है, कुछ कुछ फोन्स में नेचुरल आता है, बट मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे लाइक तो इसी टाइप की फोटो के आते हैं। ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो ये वाली 4K 60fps पे रिकॉर्ड है, फ्रंट वाले से आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हो मेन कैमरा एप्लीकेशन के अंदर, बट अगर आप प्ले स्टोर से एक दूसरी कैमरा ऐप इंस्टॉल करो तो उसमें 4K वाला फीचर आ जाता है। अब बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत। अब मैं बता रहा हूं ना कि मिड रेंज फोन का सॉफ्टवेयर जब आप महंगे फोन में लगाओगे तो उसमें 1080p था, इसमें 4K भी आया था, तो वो सेटिंग मिसिंग है। इसमें एक चीज मेरे को खास लगी, जो प्रोसेसिंग होती है ना फोटोज की वो काफी अलग है, मतलब 3-4 ऐसे लेयर्स में ऐसा लगता है प्रोसेसिंग हो रही है, और इसके अंदर ने एक अलग से चिप लगा रखी है मारी सिलिकन करके, इसी वाली चिप के अंदर पूरी प्रोसेसिंग करी जाती है फोटोज की, और उसी के लिए अलग से चिप है। तो हाँ भाई
डेफिनेटली फोटोज वीडियो इस वाले स्मार्टफोन की इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली काफी प्यारी। देखो ये जो छोटा भाई है इसका प्राइस थोड़ा कम है, इसमें पेरिस्कोप लेंस हटा दिया है और इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778 कर रखा है। ये वाला फोन डिसेंट वैल्यू फोन मनी है और अगर आपको पूरी स्पेक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। रेनो 10 प्रो का प्राइस 40,000 मतलब 39,999, एक रुपए की टॉफी आप खा सकते हो। और ये जो बड़ा भाई है 55,000 मतलब 55 कुछ मतलब एक रुपए कम समझो। पर ये वाला स्मार्टफोन में एकदम सीसी बताता हूँ, एक्सपीरियंस के मामले में मेरे को वीक लगा भाई, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, परफॉर्मेंस डिस्प्ले बैटरी चार्जिंग सब मेरे को 2 पॉइंट लगे। कैमरा डेफिनेटली भाई थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई बीच में ऐसा क्या ये जादू करने वाला है, थोड़ा ब्लरी हो जाती है बीच में इमेज, थोड़ा डर जाते हैं, बट जब फाइनल इमेज प्रोसेसिंग हो जाते हैं उसके बाद डेफिनेटली इमेजेस अच्छी निकलती है। जो वीडियोज है आप जूम कर सकते हो 120x, इस वाले प्राइस पॉइंट में इसके कैमरे को थोड़ा सा एज डेफिनेटली मिल जाता है। अगर आपको एक अच्छा कैमरा सेंटर फोन लेने जाना जो अच्छा कलरफुल भाई अपनी इमेजेस खींचे तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होगा और बाकी सारी चीजें भी आपको बैलेंस मिल जाती हैं। बट एक चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है इसका सॉफ्टवेयर। हम भी होप करते हैं कि भाई ओप्पो तेजी से ठीक कर दे चीजों और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।